स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हमेशा की तरह आज फिर एक नए स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ हूं आप लोगों के समक्ष। सो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे। SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड, जिसको हम IMO को शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, 2020-2021 यानी कि साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है, ये एक तरह से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी में आता है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम हर तरह के स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, तो ये जो आज का जो स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, यह एक तरह से कह सकते हैं एक टेस्ट है, जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं। सो दोस्तों, हम इसको और डिटेल में जानेंगे। सो बिना टाइम गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और इसको और हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है, डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके लिए एलिजिबल होंगे ये लोग। तो ये है बेसिकली स्कॉलरशिप क्लास 1 to 12, मतलब जो क्लास 1 और 12 में हैं उनके लिए है स्कॉलरशिप। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका डेडलाइन अभी काफ़ी दिन तक है, 31 अगस्त 2020, मतलब 31 अगस्त 2020 तक इसका डेडलाइन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट में थोड़ा जान लेते हैं इसके अवार्ड के बारे में। तो अवार्ड ये हो सकता है कि 50,000 तक का आपका स्कॉलरशिप मिल सकता है अमाउंट, मेडल्स हो सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, आप डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या। सो साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन जो है वो SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि इसका बेसिकली जो ऑर्गेनाइजर है साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन है। और ये ऐसे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्लास 1 to 12 तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, साइंस के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन का है और ये एक मैथमेटिक्स ओलम्पियाड है। इसलिए ये दो लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये इसमें दो लेवल होते हैं एग्ज़ाम में, फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करने में, फिर सेकेंड लेवल में जाना होता है। ये स्कूल लेवल पे हो सकता है, या फिर एक जोनल लेवल पे होता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब तीन लेवल पे इसका एग्ज़ाम हो सकता है, स्कूल लेवल पे भी, जोनल लेवल पे भी, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी। और एग्ज़ाम हर साल होता है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, इसका डेडलाइन मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ कि इसका जो डेडलाइन है इस स्कॉलरशिप का, वो है 31 अगस्त 2020, यानी कि 31 अगस्त 2020 इसका डेडलाइन है। सबके पास टाइम है, जितना जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर देंगे उतना ही बेटर होगा। तो दोस्तों, अब हम इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं लेवल वन के बारे में, लेवल वन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो लेवल वन में ये हमें बताता है कि लेवल वन जो एग्ज़ाम होगा उसके अपियर होने के लिए आपको क्लास 1 to 12 का होना चाहिए, बस यही एक एलिजिबिलिटी है, क्लास 1 to 12 में आप हों। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स ऑब्वियसली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो आपका, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ओलम्पियाड है। फिर लेवल टू के लिए क्या है कि आपको क्या होना चाहिए कि क्लास 3 to 12 होना चाहिए। जो लेवल टू का एग्ज़ाम जो देंगे उसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्लास 3 to 12 का होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप लेवल टू अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो टॉप 5% जो स्टूडेंट होंगे क्लास वाइज फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम में, वो क्या करेंगे कि जो मतलब 5% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा क्लास वाइज, जो फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम दिए हैं उनके मार्क्स स्टोर पे, मतलब जो भी उनका मार्क्स आता है डिफेंस सेक्शन में, उस बेसिस पे उनको सिलेक्शन होगा। तो टॉप 5 जो 25 जो रैंक होल्डर्स हैं, 25 रैंक होल्डर्स फ्रॉम ईच क्लास जोनल लेवल पे, मतलब ये बहुत सारे क्लास को मेरा जोनल लेवल अगर बनता है तो उस जोनल लेवल पे जो भी क्लास होंगे उसमें से 25 जो रैंक होल्डर्स होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे लेवल टू के लिए। और ध्यान देने वाली बात है कि जो टॉपर होंगे पार्टिसिपेंट जो स्कूल कर रहा है उसमें जो टॉपर होंगे, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा एग्जाम में अपीयर होने के लिए, और मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए उनका, तभी वो लेवल टू के लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्लास टॉपर होना चाहिए उनका इस पार्टिसिपेंट स्कूल से, मतलब हर एक स्कूल से अगर वो क्लास टॉपर हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें से 10 स्टूडेंट्स जो का कम से कम अपीयर होंगे इस एग्जाम में, और जिनका स्कोर 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तभी इसको अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों।
अब जान लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में, किसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो जो बेसिकली ये जो ओलंपियाड है, टॉपर अवार्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे जो दिया जाता है, और सेकेंड लेवल पे जो विनर्स होंगे सेकेंड लेवल पे, क्लास 1 टू 12 जो होंगे इंटरनेशनल जोनल लेवल अवार्ड्स जो प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट लेवल विनर के लिए, वो अवार्ड है कुछ इस तरह से। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ सेलेक्ट होता है तो अवार्ड कुछ इस तरह से है आपका, कि टोटल अवार्ड्स होंगे 50,000 का, मतलब टोटल 12 सिलेक्शन होगा जिसमें 50,000 ईच, मतलब हर एक को 50,000, साथ में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी मिलेगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, फर्स्ट रैंक होल्डर को दिया जाएगा ये। अगर सेकेंड रैंक होल्डर आते हैं वो, ये भी 12 होगा, टोटल 12 अवार्ड्स होगा जो कि 25,000 ईच, मतलब हर एक को 25,000 मिलेगा, साथ में सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट भी होगा, साथ में उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए सेकेंड रैंक होल्डर होना चाहिए, तो ये उनको दिया जाता है। अगर थर्ड रैंक होल्डर होते हैं वो, तो इसमें भी टोटल 12 अवार्ड्स हैं जिसमें 10,000 ईच होगा, मतलब हर एक को 10,000 होगा, साथ में ब्रॉन्ज मेडल होगा और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी होगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको, जो कि दिया जाएगा। ये आएंगे बेसिकली थर्ड रैंक होल्डर में जो होंगे। ये हमने बात की इंटरनेशनल लेवल पे, अब हम बात करते हैं एट जोनल लेवल पे। अगर जोनल लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें 312 अवार्ड्स होंगे टोटल, 312 अवार्ड्स होंगे जिसमें हर एक को 5,000 का इनाम मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, गोल्ड मेडल होगा, साथ में सर्टिफिकेट होगा जोनल लेवल का एक्सीलेंस का, जो कि रैंक होल्डर का होगा। अब जान लेते हैं सेकेंड रैंक होल्डर का जोनल लेवल पे, इसमें भी 312 अवार्ड्स होंगे जिसमें 25,000 का स्कॉलरशिप, 2500 सॉरी 2500 का स्कॉलरशिप होगा, साथ में सिल्वर मेडल होगा, सर्टिफिकेट अब होगा जोनल एक्सीलेंस का। अब जान लेते हैं थर्ड रैंक होल्डर, थर्ड रैंक होल्डर में भी 312 अवार्ड्स हैं जिसमें हर एक को मिलेगा 1,000, साथ में ब्रॉन्ज मेडल और साथ में सर्टिफिकेट होगा जोनल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। अब जो आते हैं फोर्थ टू टेंथ रैंक में जो जो होल्डर्स होंगे, उनके लिए टोटल अवार्ड्स जो होगा 2,184 अवार्ड्स होगा, हर एक को 1,000 रुपया होगा, साथ में मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन होगा, सर्टिफिकेट्स होगा, और जोनल एक्सीलेंस जो फोर्थ टू टेंथ रैंक किए हैं उनके लिए है ये बेसिकली। अब हम जान लेते हैं जो 11th to 25th रैंक होल्डर होंगे, मतलब जो 11 से 25 रैंक के बीच में जो आएंगे उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए प्रावधान यह है कि उनको ये टोटल जो होंगे 4,680 अवार्ड होंगे, यानी 4,680 अवार्ड्स होंगे इसके लिए। इसमें भी उनको जोनल एक्सीलेंस मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जो 26 या उससे अबव, मतलब जो 26 या उससे ऊपर जो रैंक लाएंगे उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आपको हम बताते हैं कि जो टॉप 25 रैंक होल्डर्स होंगे जोनल लेवल के लिए, ये टोटल आपको हो जाएंगे 7,800 अवार्ड्स होंगे, मेडल उनको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि टॉप 25 रैंक होल्डर्स को ये दिया जाएगा एट जोनल लेवल पे, जो टोटल 7,800 अवार्ड्स ये होगा टोटल। और जो जितने भी रैंक होल्डर्स होंगे जो कि 26 और एबव रैंक लाएंगे, उनको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा लेवल 1 में उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी और ये जो सबको समझ में ना आया हो तो फिर भी आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमसे आप क्वेरी जो भी हो पूछ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए, ये स्कूल कर सकते हैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। आपको क्या होना होगा कि आपको स्कूल से करना होगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आपके लिए एक्सेप्टेड नहीं होगा। मतलब ये जो फॉर्म भर रहे हैं ना, आपको स्कूल से ही अप्लाई करना होगा, आपका स्कूल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर्म के लिए। सो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ऑल जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनको अप्लाई करना होगा, अपने रिस्पेक्टिव स्कूल के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो रिस्पेक्टिव स्कूल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल उनको प्रोस्पेक्टस जो होगा प्रोवाइड करेगा, दो मेथड हो सकता है, या तो मेल के थ्रू हो सकता है या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू, जो भी होगा प्रोस्पेक्टस रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो ओलंपियाड उनको प्रोवाइड करवा सकता है। और साथ ही साथ उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन को, जो उसका डेट है डेडलाइन से पहले उनको सबमिट करना होता है। सो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स। फिर आपको एक बार और बता दूँ कि इसका जो अप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 अगस्त 2020 है। सो 31 अगस्त 2020 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसा होगा। तो इसका जो सिलेक्शन है वो आपके टोटली डिपेंड करेगा स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, जो ओलंपियाड एग्जाम जो आप देंगे उसमें आपका क्या स्कोर आता है उस पर आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब टोटली ये टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपका टैलेंट क्या है इस पर टोटली डिपेंड करेगा, ये आप उसको ध्यान में रखने वाली बात है।
अब इसको थोड़ा हम टर्म्स एंड कंडीशन भी इसका हम जान लेते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे इसके। तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह से हैं कि जो क्लास 1 से 4 में है उनके लिए 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और 5 से 12 के लिए जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का, जो कि लेवल 1 के लिए होगा। ये मतलब अगर आप क्लास 1 से 4 में हैं तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 से 12 में हैं तो 50 क्वेश्चन होगा, और टाइम ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट का होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल 1 की। सो ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 की बात हुई। अब हम जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन जो होता है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। पहला सेक्शन में आता है लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड में आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, और एवरीडे मैथमेटिक्स होता है, और एक होता है अचीवर सेक्शन होता है। तो ये 4 सेक्शन होते हैं आपके, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, और साथ ही साथ 10 स्टूडेंट्स जो होंगे ईच स्कूल से, मतलब हर एक स्कूल से आपको 10 स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10 स्टूडेंट ही कम से कम जो होते हैं इसके रजिस्टर करते हैं हर एक स्कूल से। जो एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल आवर में ही होगा, जो आपका स्कूल हो रहा का टाइमिंग जो होगा उसी स्कूल टाइमिंग में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और जो इसका रिजल्ट जो निकलता है वो 8 वीक के अंदर निकल जाता है। मतलब जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके 8 वीक 8 सप्ताह के अंदर ही इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, और रिजल्ट जो होगा इसके वेबसाइट पे होगा, जो कंसर्न स्कूल होंगे उसके वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाता है इसका रिजल्ट। और इसका सेपरेट क्वेश्चन पेपर है फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्लास के लिए सेम होगा, जो भी क्लास होंगे सबके लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होगा, सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स, और भी जो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होंगे जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, अगर इसका ऑफलाइन अवेलेबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है, क्या क्या सेक्शन है, पैटर्न वगैरह, इससे रिलेटेड अगर PDF अवेलेबल होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे आप जाके सब डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन पैटर्न है इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सब देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसको IMO को शॉर्ट फॉर्म के हम नाम से जानते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों जाने से पहले हमको बता दूँ कि हम हर जगह हैं, जितने भी सारे सोशल मीडिया में हम सब जगह हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या लिंक्डइन पे हो, हम हर हर जगह पे हैं। तो दोस्तों आप कहीं भी जाके हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पूरे सवालों का जवाब देने की। वैसे कमेंट में भी मैं आप कोशिश करता हूँ कि हर एक का जवाब मैं दे सकूँ, अगर फिर भी कहीं चूक हो जाती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे जवाबों के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सभी जवाब को मिल जाएंगे। तो दोस्तों टिल देन, नॉलेज अडार, साइनिंग ऑफ।